बंद करो, बंद करो, राजपूतों का दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पगामणि जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पगामणि जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विवा जस्टिस, विवा जस्टिस, विवा जस्टिस। श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मणि जी हुंदा जिहड़ा बेड़ी बेहरहमी कन्नै जिहड़ा कतल किया गया है, इसी राजपूत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करग। और राजस्थान की सरकारें भी आखग कि जिहड़ा पिछले दो साल तक सिक्योरिटी मंगा हा उसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है? एक लीडर मारी जांदा क्योंकि वह समाज की गल करा हा, समाज के हित की गल करा हा। अस इ आगे कि अगर इं राजपूत दबाना है तो राजपूत दबाने वाले नहीं हैं। राजपूत अगर एक गोगा मणि बनया मरिया है, उन्हें पहले थोड़े दिन पहले बयान दिता कि एक गोगा मणि मरेगा तो 500 गोगा मणि वो पैदा होगा। मैं इं आखंग कि अगर राजपूत की कुर्बानियों कन्नै गै ये देश पहले भी चला दा, अगर हुण भी कुर्बानियां देनियां तो यह राजपूत समाज हमेशा कुर्बानियां देने वास्ते तैयार है। युवा राजपूत सभा के संगठन पूरी खड़ोती है, करनी सेना कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाई खड़ोती है। और जिते गल राजपूत समाज की आग उत्थे बिल्कुल छाती खड़ोइए तानिए खड़ोगे और उनका साथ पूरा देगे। अस जो भी गैंग होग अस नहीं आगे राजे बसलोई हो जो मर्जी हो, इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। अगर उन्हें किते दा लॉरेंस बिश्नोई क्या सरकार को बड़ा ही है जो जेल में बैठी है जो काम चला दा, अस इ आखे अगर ऐसे गैंग हैं तो उन्हें गैंग ही मिटाना चाहिए। 75 साल बाद अगर गुंडागर्दी होने लगी चल प्रति है, दिन दिहाड़े जोड़े साढ़े लीडर का कतल होने लग पाया, तो मैं इं आखा ऐसा गैंग कोई नहीं बचना चाहिए। और ऐसे गैंग की सफाई करनी होनी चाहिए जोड़ा साढ़े लीडर की खत्म करा दा। हमारे राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मणि जी का कल दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने उनके ऑफिस में जाके गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और आज हम युवा राजपूत सभा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है कि उनके हथियारों को फांसी मिलनी होनी चाहिए, क्योंकि परसों वहाँ पे इलेक्शन हुई है, क्या किसी साजिश के तहत उनको वहाँ पे मारा गया है? वो जो पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों को इकट्ठा कर रहा था, आज के 10 दिन बाद दिल्ली में एक महासम्मेलन जो राजपूतों का था उनकी अगुवाई में हो रहा था, इसके पीछे कौन सी जो विदेशी ताकतें हैं या देश की ताकतें हैं ये हम जानना चाहते हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है हम राजपूतों के नाम निशावर की थी, एक करनी सेना का उन्होंने संगठन बनाया हुआ था, वह यही हमारे जम्मू में भी उनकी शाखा है। हम यही कहना चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर उनको आज हम श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हैं, लेकिन सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान पिछले 2 साल से अर्जी पे अर्जी दे रहा है कि उसको जान से धमकी मिली है मारने की, लेकिन सरकार ने अनदेखी की, उनको कोई भी पीएसओ नहीं दिए, आज उसका खमियाजा उन्होंने अपनी जान देके गंवाना पड़ा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ जो समाज की सेवा करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे लोगों को बारी बारी से क्यों मरवाया जा रहा है? क्या लगता है उनके ये बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा था जो जब भी बाहर निकलता था हजारों की तादाद में राजपूत उसके साथ जुड़ते थे। तो ये सरकारों को पता नहीं है कि कोई भी कौम जो है, हम मार्शल कौम है, पहले भी कह चुके हैं हम जिस रास्ते पे जाते हैं सीधे रास्ते पे जाते हैं, लेकिन सरकारें हमारे साथ मरवाने वाला काम जो हमको कर रही है ये बर्दाश्त के बाहर है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द उनके हथियारों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए कि वो जो हम लोगों का भला कर रहा था उसने अपनी जान गंवानी पड़ी हमारे लोगों के पीछे, हम लोगों के बाहर आके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए।